गुड आफ्टरनून छात्रों, आज रसायन विज्ञान कक्षा 11 में हमने एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है आपको जो है जो रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, उसमें जो है कितने प्रकार के बंध होते हैं, आखिर उनकी जो आणविक संरचना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो ऐसे आप जो है बंध के बारे में देखें तो बंध मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और वैध संयोजक बंध। लेकिन इसके अलावा जो है प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें कुछ अन्य प्रकार के भी बंध पाए जाते हैं, जैसे धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बंध। मतलब जो हाइड्रोजन जो बंध होता है उसमें आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होगा, दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो बंध बनाते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। फिर आणविक संरचना देखी जाए तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो एक अणु दूसरे अणु से जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद जो है उसकी एक विशेष ज्यामिति बनती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं उसकी एक आणविक संरचना। यदि उसमें एंगल देखा जाए तो कुछ तत्व जो 120 अंश के कोण पे जुड़ते हैं और कुछ जो है 90 अंश के, तो इस तरह से उनकी एक निश्चित ज्यामिति हो जाती है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो है संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता। संयोजकता को जो इंग्लिश में जो वैलेंसी कहते हैं, जैसे सबसे पहले जो फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने संयोजकता शब्द का, फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने संयोजकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आईसी शब्द में आप देखेंगे कि ये जो है लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है वैलेंटिया। जिसका अर्थ होता है संयोग करना, संयोग करना, संयोग करना या जो जुड़ना। तो संयोजकता को यदि परिभाषित किया जाए तो आप देखेंगे किसी तत्व के संयोजन, संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या है? संख्या है, संयोग करने की संख्या है। जैसे आप जो है हाइड्रोजन की संयोजकता सामान्य रूप से जो एक मानी जाती है क्योंकि उसके वायु को उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इसको जो वर्ग के हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और शून्य वर्ग माना जाए, तो इन सभी में जो है संयोग करने की क्षमता क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे कोई भी तत्व होता है प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में तब तक रहेगा जब तक वो किसी दूसरे तत्व से जुड़ा हो। लेकिन अपवाद स्वरूप जो जो है शून्य वर्ग के तत्व होते हैं वो जो किसी तत्व से संयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम शून्य समूह में रखते हैं। यदि आप जब फर्स्ट एक वर्ग से देखेंगे तो इनकी संयोजकता एक होती है, सेकेंड की दो होती है, थर्ड की तीन होती है, फोर्थ की चार होती है। आप जानते हैं कि जो कोई भी तत्व होता है उसके वाहक कोष में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो किसी दूसरे तत्व से संयोग नहीं करता है। तो ये जो क्रम आप देख रहे हैं ये वहां तक बढ़ रहा है, लेकिन जो पांचवें वर्ग में होगा उसमें जो आप अंतिम कोष में देखेंगे तो पांच इलेक्ट्रॉन होगा, अर्थात उसे तीन इलेक्ट्रॉन और दे दिया जाए तो उसका अष्टक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो इसमें आप देखेंगे आठ में से यदि पांच घटाएंगे तो कितना आएगा? तीन आ जाएगा। तो
पांचवें वर्ग की संलग्नता क्या हो गई, तीन हो गई, माइनस तीन हो गई। अब ये जो तीन इलेक्ट्रॉन को देगा तब इसका अष्टक क्या होगा, पूरा होगा। उसी तरह से जो है छठवें में आप देखेंगे आठ माइनस छह कर देंगे तो इसमें कितना आएगा, दो आएगा, दो आएगा। फिर उसके बाद सातवें में देखेंगे तो आठ माइनस सात कर देंगे तो इसमें क्या होगा, एक होगा। और ये जो आठवां वर्ग में है तो आठ माइनस आठ कर देंगे तो इसकी संलग्नता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस तरह से आप जो है वर्ग में देख रहे हैं, फर्स्ट ए से जो है सेवन तक जाने पे और शून्य वर्ग में जाने पे जो है हमारी संलग्नता में जो प्रवृत्ति रूप से जो बदलाव होते हैं वो जो है तत्वों के वायतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। जैसे फर्स्ट ए वर्ग में देखेंगे उनके वायतन कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आसानी से जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या जो है किसी दूसरे यौगिक के साथ जुड़ करके उसी तरह से पड़े रहते हैं। तो फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता एक, सेकेंड ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता दो, थर्ड की तीन, फोर्थ की चार, और फिफ्थ की तीन होगी, सिक्स की दो होगी और सेवन की एक होगी। तो ये जो है इसमें क्रम है एक से लेकर के चार तक बढ़ रही है फिर उसके बाद क्रमिक रूप से घट रही है, एक के बाद जो शून्य हो जा रही है। तो ये जो है संयोग करने की क्षमता को किसी तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता या संयोजन करने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो आज हम जो है संयोजकता के बारे में जाने और फिर उसके बाद जो है इससे आगे जो है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।